हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाना सीखेंगे कि फेस में आँखें कैसे बनाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं फेस में आईब्रो बनाऊंगा। तो आईब्रो बनाने के लिए हमने सबसे पहले पेंसिल से आईब्रो का शेप ड्रॉ किया। इसके बाद इसके दूसरी तरफ जब लेफ़्ट साइड में हम आईब्रो बनाएंगे, तो जब हम जो बिगनर्स हैं, जो जिनको बनाना नहीं आता या कभी ड्रॉ करते हैं तो ऊपर या नीचे ड्रॉ हो जाती है, तो उसके लिए आप सबसे पहले पेंसिल से एक सीधा लाइट लाइन ड्रॉ करेंगे उसके जस्ट सामने, और सेम ऐसा ही ऊपर से करेंगे जिससे आईब्रो का साइज दोनों तरफ सेम टू सेम ड्रॉ हो सके। तो अभी मैं इस तरफ भी सेम आईब्रो ड्रॉ कर रहा हूँ। तो हमने दोनों तरफ आईब्रो का शेप इक्वल हो इसलिए हमने पहले पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर ली थी और उसके बीच में हमने आईब्रो ड्रॉ की है। तो थोड़ा थोड़ा ड्रॉ हो गया। शुरू में हमको फाइनल डिटेल ड्रॉ नहीं करना है, जस्ट रफ़ डिटेल, रफ़ ड्राइंग जैसा बनाना है। फिर उसके बाद हम आँख बनाना शुरू करेंगे। आँख बनाने के लिए सबसे पहले हम उसका शेप बना रहे हैं। तो ये जैसे एक आँख ये बनाई, ऊपर की लाइन ड्रॉ की, फिर ये हो गया। अब आँख का आई बॉल बनेगा। तो आई बॉल बनाने में हमको ये याद रखना है कि आई बॉल जो नीचे वाली पलक है उससे टच नहीं होना चाहिए, पलक से थोड़ा दूर रहेगा, नीचे वाली आँख से थोड़ा दूर रहेगा ऐसा ही। फिर इसमें यहाँ पर रेटिना। अब जब दूसरी तरफ आँख बनाएंगे तो दोनों आँखों में एक आँख का गैप होता है। तो ये मैंने एक आई का साइज लिया, दूसरी तरफ लिया और इसको यहाँ पॉइंट कर दिया। तो अब इस आँख का साइज भी दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। तो इसको भी मैंने पेंसिल से हल्का सा ड्रॉ किया है, इसके बीच में ही आँख बनेगा। तो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो अभी दोनों तरफ आई की लाइन ड्राइंग हो चुकी है। अभी इसमें हम शेडिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं जहाँ पर हम आँख को जब देखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं शाइनिंग वाला पार्ट दिखता है, उसको मैंने छोड़ दिया। अब मैं ऊपर से शेडिंग कर रहा हूँ पेंसिल से। और नीचे आते आते वो शेडिंग लाइट हो जाएगी, ज़्यादा डार्क नहीं रहेगा, क्योंकि ऊपर की पलक की जो शेडो रहेगी आई बॉल पर तो उतना एरिया डार्क रहेगा, नीचे वो एरिया लाइट शेडिंग में रहेगा। और यहाँ पर मैंने इस तरीके से इसकी पलकें ड्रॉ की हैं। और आँख के जस्ट नीचे, जो पलक के नीचे जो जगह दिख रहा है उसमें भी मैं शेडिंग करूँगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि पलक की छाया आँख के अंदर भी पड़ेगी। और यहाँ पर भी मैं शेड कर देता हूँ।
सेम पैटर्न मैं लेफ्ट आई पर भी ड्रॉ करूँगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम आई ड्राइंग फिनिश कर चुके हैं। थोड़ा बहुत अभी मैंने रफ ड्रॉ ही किया है, और भी इसको रियलिस्टिक हम ड्रॉ कर सकते हैं, पर बनाना कैसे है मेरा ये था आपको बताना। तो हमको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम ड्रॉ करते हैं तो दोनों आँखों के बीच में एक आँख का गैप रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में भी हम इसी तरह कोई फेस के फीचर्स की ड्राइंग बनाना सीखेंगे। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।